गुलिस्तान न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट मोनिका कोरीची हैं और यासिन मलिक की आज हियरिंग थी और उस पर क्या पूरा रहा है और तफसील से जानेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूरी हियरिंग रही है और विस्तारपूर्वक और संक्षेप में बताइएगा। आज यासिन मलिक के दोनों केसेस लगे थे, RC-7 एंड RC-1 एयरफोर्स केस एंड रुबैया सैयद किडनैपिंग केस। और उसमें रुबैया सैयद वाले केस में दो विटनेसेस आई थी जिनमें से दोनों ने अली मोहम्मद मीर एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया है, शनाख्त की है उनकी। और अब नेक्स्ट डेट उसमें केसेस में डली है 7th of December। उसमें विटनेस आज आई नहीं थी, अब उसमें भी नेक्स्ट डेट 7th December है। कितनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये देखते हैं आप? देखिए, केस प्रोसीडिंग तो चल रहा है और विटनेसेस आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं एक्यूज्ड को, दैट इज अ पॉजिटिव साइन एंड वी होप दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड सून। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि जो है अब मैम ने साफ जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो है जो मैसेज है वो जल्द से जल्द जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जो है वो जरूर इन परिवारों को जरूर देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।